जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ना, जब से हम इधर ही हैं। हमारे माँ बाप मर गए, हम फिर काम करने लगे यहाँ पर। अब देखो, हमारे ये सब मटेरियल काट लिए, हमारी कोठियाँ तोड़ दी, हमारी रस्सियाँ तोड़ के चले गए। हम गरीब आदमी, हम जितने आदमी बेकार हो फिर रहे हैं, ग्राहक हमारे शोर में जा रहे हैं, कपड़ा लाओ, कहाँ पर सोएं। धोबी घाट कराची न सिर्फ पाकिस्तान में कदीम तरीन और बड़ा धोबी घाट है, बल्कि एशिया के कदीम तरीन धोबी घाट में भी इसका शुमार होता है। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इस धोबी घाट की रौनकें दो चंद थीं। यहाँ पर काम करने वाले बुजुर्ग हजरात बताते हैं कि अंग्रेजों के दौर में लियारी नदी की सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता था। उस दौर की मकामी हुकूमतें इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखती थीं कि सीवरेज के निज़ाम में कोई खराबी पैदा ना हो। बाद अज़ां क़याम पाकिस्तान के बाद भी यह सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। हमारे तो बाप दादा सब यहीं रहे हैं, बाप दादों ने किया, बाप का इंतकाल हो गया हमारे, अब हम खुद कर रहे हैं ये काम, और अभी से नहीं ज़माने से हम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी से नहीं कर रही है। ये पुल बनने से, पुल बना जब भी हमारे को इसी तरीके से तोड़ दिया, ये सब चीज़ें हमारी। हम लोग अपना एक दिन काम करते हैं सारा दिन, जो हमको एक हफ्ता चलाना होता है। परवेज मुशर्रफ हुकूमत के बाद लियारी एक्सप्रेसवे का मंसूबा बना तो धोबी घाट मुसलसल हुकूमती बेइत्मीनानी का शिकार है। ना ही यहाँ के वासियों को मुतबादल जगह दी गई और ना उनके कारोबार को महफूज किया गया। नौबत फाका कुशी तक पहुँच गई। रही सही कसर नाजायज तजावजात के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी कर दी। ये एक पुरानी जगह है और इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कोई पुराना जगह या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको तो फैसिलिटीज दिया जाए, उसको अच्छे से अच्छा दिया जाए ताकि लोग बाहर के लोग आके देखें इस चीज़ को। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अंग्रेज़ दौर, बरतानिया के दौर के लोग, अंग्रेज़ बाहर मुल्क से यहाँ आते थे सर्वे करने, पुलिस सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करके यहाँ भेजती थी, 10-10, 12-12 लोग यहाँ आके चेक करने आते थे हमें कि हाँ कपड़ा धुल रहा है भाई, किस तरह धुल रहा है। ये घाट बहुत मशहूर है, लिहाजा आप इसको ख़त्म ना करें। अगर आपको कुछ करना है तो हमें कोई मुतबादल जगह दें या इसमें कोई ऐसी चीज़ दें ताकि हम अपना रोटी रोज़गार कमा सकें। हम एक हफ्ते से बहुत परेशान हैं। बम्बई का धोबी घाट किसी बिल्डर ने ख़रीद लिए थे, वहाँ के धोबियों ने इत्तेजाज करा, उनको हर सहूलत दी, नल लगा के दिए, घर बना के दिए, बिजली लगा के दी और पक्के कागजात बना के दिए, तुम्हें कोई नहीं लगा यार, वो भी तो एक गवर्नमेंट है यार। सवाल ये है कि धोबी घाट भी एक कौमी विरसा है और यहाँ के मुफलिस धोबी भी यहाँ के कदीम बासी हैं, तो क्या कौमी विरसे की हिफाजत और कदीम बाशिंदों के रोजगार का तहफ्फुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली इंतखाब के लिए शेर आज़म कराची।